Hey guys, what's up? My name is Monica Pal और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट डिसीज के बारे में. सो अभी तक जितनी भी डिसीज प्लांट डिसीज यूपीएससी सीएससी के बॉटनी मेंस में पूछी गई हैं उन सबकी लिस्ट हमने बनाई है, और लिस्ट बनाने के बाद हमने उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म और किस ऑर्गेनिज्म के नाम के साथ साथ वो क्या है, वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, इसकी भी जानकारी दी है. क्योंकि ज़्यादातर जब यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें बोला जाता है कि जो सी डिसीज़ हमने पूछी है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके सिम्टम्स और उसका कंट्रोल आप लिखिए. ये आते हैं ज़्यादातर 10 या 15 नंबर के क्वेश्चंस में. सो हमने कोशिश की है कि ज़्यादातर हम डिसीज़ के नाम याद कर सकें, क्योंकि डिसीज़ और उसके जब कॉजल ऑर्गेनिज्म के नाम हमें याद रहेंगे तो हम जनरल जो चीज़ें हैं, जनरल कंट्रोल फॉर बैक्टीरिया, जनरल कंट्रोल फॉर वायरस एंड जनरल कंट्रोल फॉर फंजाई, जब हम उसे याद कर लेते हैं तो हमारे पास एक प्री प्रिपेयर्ड फ्रेम हो जाता है अपने क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए. और जितना ज़्यादा आप प्री प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना ही कम सरप्राइज एलिमेंट आपको एग्जामिनेशन मिलेंगे, ताकि आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय सरप्राइजिंग फैक्टर कम रहे और अपना क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लांट डिसीज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म. 1 इज बैक्टीरिया, 2 इज फंजाई एंड 3 इज वायरस. वायरस में हमने एक और इंक्लूड किया है माइकोप्लाज्म, वायरॉन्स एंड वायरॉइड्स. इनमें से जितनी भी हमने पूछी गई है डिसीज उन सबकी हमने लिस्टिंग की है. सो लेट्स स्टार्ट विद वायरस एंड एक्सेट्रा. फर्स्ट डिसीज इज लीफ कर्ल ऑफ पपाया. लीफ कर्ल ऑफ पपाया जो है वो डिसीज है दैट इज हैपेंड ड्यू टू वायरसेस, और उस वायरस का नाम क्या है, टबैको वायरस 16. टबैको वायरस 16 क्या करता है, पपाया प्लांट में जो लीव्स होती हैं जब उसे इफेक्ट करता है तो वो लीव्स जो है हमारी कर्व्ड हो जाती हैं, और कर्व्ड लीव्स के कारण उसमें फोटोसिंथेसिस भी कम होता है और इस तरीके से वो उसे इन्फेक्ट होता है. इवन आफ्टर द कर्लिंग क्लोरोसिस भी हमें कई प्लांट्स में देखने को मिलती हैं. इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं लीफ कर्ल की, वो सिर्फ लीफ को कर्ल नहीं करता है, वेन क्लियरिंग. अगर आप वेन्स देख रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते होंगे पिक्चर में, वेन्स जो हैं वो क्लियर्ड है, मतलब वहाँ पर क्लोरोसिस हुआ है, लीफ कर्ल हो गई है, उनका जो साइज है वो रिड्यूस हो गया है. इसके अलावा कई बार जो अपर लेयर ऑफ लीफ होती है वो थोड़ी सी लेदरी हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है और वो आसानी से टूट जाती हैं. हाइपरट्रॉफी के कारण ही उनका जो साइज है वो हल्का सा फूला फूला सा लगता है, लेदरी हो जाता है. क्यों, हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया ऐसे दो शब्द हैं जो आपको प्लांट पैथोलॉजी में बहुत मिलेंगे. हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है किसी सेल का अपने में ही उसका साइज बढ़ जाना, और हाइपरप्लाजिया क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ोतरी होना. सो इसमें हाइपरट्रॉफी देखी जाती है. इसके अलावा जितना भी इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसमें ना ही हमको फ्लावर मिलेंगे ना ही हमको फ्रूट्स मिलेंगे. इसके अलावा जो पेड़ का जो साइज है वो भी छोटा ही रहता है. अब आ जाते हैं येलो वेन क्लियरिंग ऑफ भिंडी पे. इस ये होता है एक वायरस से, जिस वायरस का नाम होता है विस्कस येलो वेन मोज़ेक वायरस. इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम जैसा मैंने बताया, वायरस के ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर ही रहते हैं, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. और इसमें क्या होता है, वेन क्लियरिंग होता है, वेन में क्लोरोसिस हो जाता है, वहाँ से क्लोरोफिल गायब हो जाता है. इसके अलावा जब वेन क्लियरिंग हो जाती है तो इसके बाद भी बाकी जो पत्ते हैं उसमें क्लोरोसिस जो है वो फैलने लगती है. इसके अलावा थिक वेन्स हो जाती हैं और येलो कलर की लीव्स हमें दिखाई देती है, और ये ज़्यादातर जब फैलती है तो इफ़ेक्ट करती है उसके इन्फ्लोरेंस को, उसके फूल को और उसके फ्रूट को. इसके बाद आ जाते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजिल एंड सैंडल स्पाइक पे. सैंडल स्पाइक और लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजिल जो है वो माइकोप्लाज्म की डिसीज़ है. लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजिल में क्या होता है, जो लीफ होती है ब्रेंजिल्स की उनका साइज रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो पेड़ है वो बुशी टाइप का एक झाड़ जैसा दिखने लगता है. इसके अलावा सिर्फ लीफ की जो साइज में रिडक्शन नहीं होता है, जो इंटरनोड होते हैं उनकी भी साइज में रिडक्शन दिखाई देने लगता है, और जो लीव्स हैं और जो नोड्स हैं वो नैरो हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, सकरे हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और येलो कलर्स के हमें दिखाई देते हैं.
अब ऑफ कोर्स ये बात है, जो प्लांट्स जो हैं अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो ना ही उसमें फ्लावर्स होंगे ना ही उसमें फ्रूट्स होंगे। अब आ जाते हैं सैंडल स्पाइक पे, ये भी माइकोप्लाज्म के थ्रू ही होती है डिसीज़। इसमें भी क्या होता है, जो साइज ऑफ लीव्स होता है, इंटरनोड्स होता है, वो शॉर्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया सिम्टम्स सिमिलर रहते हैं, देखिए माइकोप्लाज्म और सैंडल स्पाइक में भी सिम्टम्स सिमिलर ही हैं, इंटरनोड और जो लीफ है उसके साइज शॉर्ट हो रहे हैं, और जो येलो कलर की हमें लीव्स दिख रही है, और जब ये एक्सट्रीम में पहुंच जाता है तो हमें जो सैंडल की लीव्स हैं वो हमें रेडिश कलर की दिखाई देने लगती हैं। ना ही इसमें फ्रूट आपको दिखेगा ना ही फ्लावर दिखेगा इन्फेक्टेड प्लांट्स में। इसके अलावा जो एक इंटरनल जो हमें चेंज देखने को मिलता है उसकी एनाटॉमी में, दैट इज फ्लोएम नेक्रोसिस, फ्लोएम में नेक्रोसिस हमें दिखाई देने लगता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे सैंडल स्पाइक के बारे में बता रहा था, कई बार पेपर में इसका दूसरा नाम दे दिया जाता है, दैट इज रोस्ते स्पाइक। स्पेलिंग होती है ROSETTE स्पाइक, रोस्ते स्पाइक भी सैंडल स्पाइक का ही दूसरा नाम है। सो ये हो गई, आज हमने कवर कर लिया है वायरसेस से होने वाली डिसीज पे। अगले लेसन में हम लोग क्लियर करेंगे फंजाई से होने वाली डिसीज। फंजाई से होने वाली डिसीज जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, और वो अराउंड 10 to 15 है। उन सबको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम के समय में आपको ज़्यादा लोड ना देना पड़े। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।